कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग लॉरेंस कॉलबर्ग डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जो मॉरल डेवलपमेंट की फील्ड में आए, और इनके मुताबिक लोग प्रोग्रेस तब करते हैं जब वो मॉरल रीजनिंग के थ्रू 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स पे जो क्लासिफाई की गई है ये स्टेजेस, उनसे गुजरते हैं तो वो मॉरली डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट लेवल मॉरल थिंकिंग की वो है जहाँ पे आप एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे बच्चा को प्री कन्वेंशनल लेवल पे जाता है, और प्री कन्वेंशनल लेवल वो लेवल है जहाँ पे आप जो बिहेव कर रहे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के मुताबिक है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो अच्छा है जो बुरा है उसको एज इट इज लेना, अगर बुराई है तो उससे रुकना है, अगर अच्छाई है तो उसमें आपने फॉलो करना है। और ये बच्चा तब करता है जब उसको बड़े जितने भी हैं उनके टीचर्स हैं एडल्ट्स हैं वो उनको अथॉरिटीज जितने भी हैं वो उनको गाइड करते हैं, उनको ऑर्डर करते हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं उन फिगर्स को देखते हुए। अथॉरिटी फिगर्स जितने भी हैं वो आपके प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, वो आपके क्लास टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और इस एलिमेंट्री लेवल पे आपको ये जितनी भी ओबीडियंसी करवाई जाती है वो या तो किसी थ्रेट की वजह से करवाई जाती है या कोई पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो आप लॉज जितने भी हैं उनको फॉलो करें। सेकेंड लेवल जो मॉरल थिंकिंग की है वो सोसाइटी से है, जिसको कन्वेंशनल लेवल का नाम दिया गया है। कन्वेंशनल लेवल वो लेवल है जहाँ पे आप सोसाइटी में अच्छे और बुरे की तमीज करते हैं, और फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस लेवल इज कैरेक्टराइज बाय एन एटीट्यूड, कि जो आप एटीट्यूड गेन करते हैं दूसरों के साथ, जो आप दूसरों को देखते हैं वहाँ से आप एटीट्यूड अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफर करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में उसको निखारते हैं या चेंज करते हैं। सेकेंड स्टेज जो इसके बाइट है वो लॉ एंड ऑर्डर को, कि जितने भी लॉज हैं जितने भी हमारी सोसाइटी के वैल्यूज हैं उनको हमने लेना है, लेकिन हमारी ये ड्यूटी समझते हुए किसी के थ्रेट या किसी के कहने की वजह से नहीं, बल्कि आप ये फील करें कि यू आर ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, सो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। और थर्ड जो मॉरल डेवलपमेंट की या मॉरल थिंकिंग की, कॉलबर्ग ने जो उनके मुताबिक अभी तक उसमें बहुत सारे एडल्ट नहीं पहुँच पाए, मेजोरिटी नहीं पहुँच पाई, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, और इस स्टेज में आप बगैर किसी के कहे बगैर किसी के गाइड किए ये खुद सोशल म्यूचुअलिटी को जेन्युइन इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करें कि जो वेलफेयर है जो चीज़ सबके लिए अच्छी है वो मेरे लिए भी अच्छी है, जो मेरे लिए अच्छी है वो सबके लिए अच्छी होनी चाहिए, सबका भला सोचना, सबकी भलाई सोचना, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल जितने भी हैं एक इंडिविजुअल कंसाइंस के साथ कि आप अपनी फीलिंग को उस चीज़ पे समझते हुए सोचते हुए उसको फॉलो करें। इसमें 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं जो को सोशल ओरिएंटेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल है जिसकी फर्स्ट स्टेज ओबीडियंसी है, वो ओबीडियंसी और पनिशमेंट। कन्वेंशनल लेवल जिसमें 2 स्टेजेस हैं इंडिविजुअलिज्म इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सचेंज, कि जिस तरह का आप स्टूडेंट्स को देते हैं बच्चों को देते हैं एनवायरनमेंट वैसा ही आप एक्सचेंज करते हैं वैसा ही आपको वापस मिलता है। पोस्ट कन्वेंशनल की 4 स्टेजेस हैं जिसमें पहली स्टेज गुड बॉय गुड गर्ल अच्छा इंसान, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, सोशल कंट्रास्ट करना कि सोसाइटी के साथ आपने कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी क्या आपसे डिमांड करती है, क्या आप सोसाइटी से डिमांड करते हैं, ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी है, और प्रिंसिपल्स कंसाइंस के जितने भी हमारे लॉज हैं ऑर्डर्स हैं जो हमें यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। अगर बुराई कहीं पर बुराई है तो वो हर एक चीज़ के लिए बुराई है, अगर चोरी यहाँ पर बुरा है तो वो वर्ल्ड ओवर जहाँ पर भी चोरी करेंगे तो वो बुरी ही कंसिडर होगी। इसी तरीके से जो बहुत सारे और मिसबिहेवियर्स हैं वो अगर हमारे लिए मिसबिहेवियर्स हैं तो वो यूनिवर्सली हर एक के लिए मिसबिहेवियर में ही कंडक्ट हो कंसिडर होता है। इसलिए ये 3 स्टेजेस कॉलबर्ग के मुताबिक 3 लेवल से जब आप गुजरते हैं 6 स्टेजेस के बाद तो ही आपकी मॉरल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से